जनकपुरी आम आदमी पार्टी से विधायक राजेश ऋषि ने डीआईडी से क्या कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धि व केंद्र सरकार के कार्यों के संबंध में आप खुद सुने। आप अपने कार्यकाल के समय आम आदमी जनता मतलब आम जनता के लिए जो विकास कार्य किए हैं उन विकास कार्यों में से मुख्य 5 विकास कार्य बताएं, आम जनता को बताएं प्लीज। मैं राजेश ऋषि, जनकपुरी का सेवक, विधायक जनकपुरी। आपने मुझसे पूछा काम के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़े काम हमारे एक महावीर इंक्लेव वार्ड है जो उसे सीतापुरी वार्ड कहते हैं। उस महावीर इंक्लेव के अंदर पानी की सप्लाई नहीं थी, वहाँ पे रोड्स नहीं थी, शिवा लाइंस नहीं थी, पानी की लाइनें थी लेकिन पानी नहीं था। वहाँ पर हमने लोगों के घरों में नलकों में पानी दिया। पहले सब लोग टैंकर के ऊपर डिपेंड करते थे, खूब लड़ाइयाँ होती थी टैंकर के लिए, पानी के लिए टैंकर पे। वहाँ पर हमने शिवा लाइन डाल के दी, हमने रोड्स बना के दी, RCC की रोड बहुत सुंदर सड़कें बनी हैं, वहाँ 24 घंटे बिजली है, मेन रोड तक की हमने कंप्लीट करा के दी हैं और कुछ गलियों में भी शिवा लाइन डाली है तो उसको भी हम जल्दी बना के देने जा रहे हैं। इस वार्ड का ये सबसे बड़ा काम था क्योंकि ये वार्ड पूरा सीतापुरी वार्ड बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे, सड़क चलने लायक नहीं थी, आज आप उस पर कार से आप पूरे कोने तक जा सकते हैं। दूसरा काम हमने अपने वार्ड 100 हम उस अब तो उसका 16S कहते हैं, पहले 118 था, उस 16S के अंदर 45 साल पुरानी शिवा की लाइनें थी जो आज की डेट में इतनी बुरे हाल में है, कहने को वो पॉर्च कॉलोनी है लेकिन वहाँ शिवा लाइन की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है, उसको हमने चेंज करवाया। आज धीरे धीरे हम एक एक ब्लॉक वाइज उसको बदलते जा रहे हैं और हमारा पूरा टारगेट है कि हम सारे क्षेत्र की शिवा लाइन को चेंज कर रहे हैं। तीसरा, हमने अपने यहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम से ग्रस्त लोगों के लिए हमने जगह जगह ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं, नए ट्रांसफार्मर लगाने भी जा रहे हैं। इन ट्रांसफार्मर के लगने के बाद स्थिति और ज़्यादा सुधर जाएगी। वैसे आज मेरी जनकपुरी में कहीं भी बिजली की दिक्कत नहीं है, कुछ क्षेत्र में गर्मी के अंदर दिक्कत आती है तो वहाँ हम नए ट्रांसफार्मर्स लगा रहे हैं ताकि वहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो। तीसरा काम, हम लोगों ने पार्कों को सुंदरीकरण करने के लिए पूरी योजनाबद्ध काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिम लगाए हैं जिसकी मीडिया ने भी बड़ी प्रशंसा की है। रबराइज फ्लोरिंग है जिसको EPDM कहते हैं, वो फ्लोरिंग लगाई है और वर्ल्ड क्लास के जो जिम के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगाए हैं जो अरियंत कंपनी बॉम्बे के हैं जो 40 कंट्रियों को एक्सपोर्ट भी करती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना ये काम बहुत बेखूबी से किया है। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्ले स्टेशन लगा रहे हैं जो हमें विदेशों में देखने को मिलते थे, आज हम वो जनकपुरी में लगाने जा रहे हैं। हमारे टेंडर्स हो चुके हैं, हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हम बच्चों के खेलने के लिए एक नया प्रयोग कर रहे हैं जो हम बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं। बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट, जैसे जैसे हमें जगह मिलती जा रही है हम बनाते जा रहे हैं। जिस दिन वो बन जाएगा मैं आपको दिखाने ले जाऊँगा, आप खुद देख के कहेंगे कि वाकई ऐसी चीज़ दिल्ली में पहले कहीं भी नहीं थी। ये IIM कलकत्ता में बनी है, वो मैं देख के आया था, उसी का हम यहाँ प्रारूप चालू करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं लोगों को कि दिल्ली भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी होती जा रही है और बहुत खूबसूरत हम बैडमिंटन कोर्ट बच्चों के खेलने के लिए सारा अरेंजमेंट करके दे रहे हैं। हमने अपने क्षेत्र के अंदर जगह जगह जितनी गलियाँ टूटी हुई थी MLA फंड के माध्यम से उसको हम बनाने जा रहे हैं और जो बची हुई गलियाँ उसको भी चेंज कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इतने ये अभी MLA फंड के कुछ काम है पुराने, मैं उसी को सबको चेक कर रहा था कि हमने लगभग सारी गलियाँ बना दी हैं, जो बची हैं वो गलियाँ अब बनाने जा रहे हैं। हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, हम तो खुद कहते हैं कि आप बताइए, हम बनाने को तैयार हैं। हमने इस नाला पंखर और नाला जो है इसके ऊपर अभी हमने 2 पुल बनाए हैं उसको क्रॉस करने के लिए। एक हमने चाणक्य प्लेस 40 फीट रोड पर बनाया है जो लगभग 1,10,00,000 की लागत से बना था। एक हमने महिंद्रा पार्क पर बनाया है, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास की लागत से बना है। 2 नए पुल और बनने जा रहे हैं जो हम फरवरी के 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं। ये आपका एक बनेगा सोम बाजार रोड जीवन पार्क पे और E ब्लॉक जीवन पार्क पे। इसके बाद हम 3 पुल और बना रहे हैं जिसका टेंडर जल्दी होने जा रहा है और दोनों तरफ नाले के
आरसीसी की दीवारें हमारी अभी टीएससी में अप्रूव हुई हैं और वो भी हम जल्दी बनाने जा रहे हैं। इसके बाद ये क्षेत्र बहुत खूबसूरत हो जाएगा और जो हमारी साइकिल पथ है हम उसको भी बहुत सुंदर बनाने जा रहे हैं। ये सब काम अभी हमारे चल रहे हैं। विकास कार्य को क्षेत्र में केंद्र सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे और क्यों? देखिए, केंद्र सरकार का तो हमारे क्षेत्र में कोई काम हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ पार्षद महोदय भी, आपके एमपी महोदय भी एक ही बार नजर आए, द्वारा भी 5 साल में द्वारा नजर नहीं आए। वो भी मुझे मिले थे छठ के किसी कार्यक्रम में, तब मैंने भी उनसे कहा था कि छठ व्रती बहुत बढ़ गए हैं, छठ घाटों की हमारे यहाँ कमी हो गई है, डीडीए की लैंड पड़ी है, इसलिए हमें दिलवा दे तो हम बहुत सुंदर घाट बना के दे दें। तो उन्होंने वहाँ लोगों को वादा किया था कि मैं ही घाट बना के दूंगा और आज 4 साल हो गए उनको एक बार भी वो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे, उसके बाद बताइए। सर, 10 में से एक नंबर भी देने लायक पोजीशन में नहीं रहे वो, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया जी। मेरे क्षेत्र में वो नजर ही नहीं आए। जनता खुद कहती है कि किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। मैं तो घाटों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर घाट बनाना था पिछले इसी साल मैंने छठ पे वहाँ पर 80 फीट बाई 25 फीट का पक्का घाट बना के दिया है, जिसके लिए वो जनता वहाँ की डिमांड कर रही थी। एमपी महोदय ने बना के नहीं दिया, लास्ट में मैंने ही बनाया वहाँ पर बैठ के खुद ही। दिल्ली सरकार के विकास कार्य क्षेत्र में 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और क्यों? सर, दिल्ली सरकार का अभी जो कैमरे का वादा है वो पूरा होने जा रहा है, उसके बाद तो 10/10 नंबर होते हैं। क्योंकि मैं आपको एक और बता दूं कि मेरे यहाँ पर 2 हॉस्पिटल हैं, एक दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जब मैं जीत के आया था तो इसकी बहुत बुरी स्थिति थी, एक सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा था। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया उसमें, मेरे को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पहले पीडब्ल्यूडी बनाया गया, बाद में फिर मेरे को हमने डिमांड की कि हमें हेल्थ दिया जाए, तो मेरे को स्वास्थ्य विभाग में सचिव बनाया गया। तो उसके बाद मैंने इसके पीछे पड़ के इसको चालू किया। आज ये हॉस्पिटल अच्छी रनिंग में आ चुका है, यहाँ पर 100% ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है, यहाँ पर सारे टेस्ट किए जाते हैं, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। ये सुपर स्पेशलिटी है, इसमें ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, इन 4 चीज़ों का इलाज होता है। और यहाँ पर अभी हमने एक इंटरनेशनल स्तर की एक कैथ लैब बनाई है, हमने यहाँ पर 15 बेड का डायलिसिस सिस्टम शुरू किया है और साथ में इसमें 7 नए ऑपरेशन थिएटर बना रहे हैं। ये बनने के बाद लगता है मार्च तक हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। आप एक बार जाके देख के आएँ, आपको यहाँ पर जो 5 स्टार बने हुए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उससे सुंदर बना हुआ है और जनता बहुत खुश है वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ सारा काम बहुत सिस्टम से हो रहा है। पीछे कैंसर इंस्टीट्यूट है, कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर अभी हमारा केवल ओपीडी चल रही है, साथ में कीमो होती है। और हमने यहाँ पर एक लीनियर एस्केलेटर, एक अमेरिका से जो कैंसर ठीक करने के लिए मशीन इंपोर्ट की है जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, वो हमारी 6 महीने से बंद पड़ी है केवल डॉक्टर्स ना होने के कारण, और लगभग ये 14-15 करोड़ रुपए की मशीन है। अब हम तो यही कहते हैं कि हमारे सरकार के पास रखने की और हटाने की ताकत जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये हॉस्पिटल भी बहुत तेजी से बहुत सुंदर रन करेगा। एक बार आप जरूर देख के आइएगा इसको। आपके विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माण की स्थिति क्या है और उसका जिम्मेदार कौन है, बताएं? देखिए, अवैध निर्माण की स्थिति हमारे यहाँ बहुत ही बुरी हाल में है, इससे हम भी बहुत परेशान हैं। कारण क्या है कि छोटे छोटे मकान थे, आज तोड़ के 5-5 मंजिलें बिल्डिंगें बन गई। अवैध निर्माण इतना हो गया कि उसके अंदर पार्किंग बनाई नहीं। स्थिति ये है कि लोगों की पार्किंग को लेकर झगड़ा होता है, लोग हमारे पास आते हैं, हम पानी नहीं दे पाते क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई लोगों की, जो लाइनें डाल रखी हैं वो अब छोटी पड़ गई, वहाँ पर शिवर गैन है वो भी छोटी पड़ गई हैं। और अवैध निर्माण में एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है, एमसीडी के सारे अधिकारी वहाँ से खूब पैसा बनाते हैं, पार्षद चाहे किसी भी पार्टी का खूब लूट रहा है यहाँ डट के, स्थिति ये हो चुकी है यहाँ पर। अब इसलिए इसकी पूरी जिम्मेवार एमसीडी है, एमसीडी को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। उनके, मैं तो कहता हूँ बीजेपी के हाथ में है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का नुकसान होने जा रहा है। हर आदमी जब तक पैसा नहीं देता तब तक निर्माण नहीं होता, पुलिस लूटती है, ये लूटते हैं। आप 2 बोरी सीमेंट की और बाहर हीटर रख के बैठ जाएं, पुलिस वाला आपके यहाँ कोई कांड हो जाए देखने नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पुलिस भी पहुँच जाएगी, एमसीडी भी पहुँच जाएगी। ये बदतर स्थिति है, इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास पावर हो तो हम कुछ करें, ये पावर हमारे पास नहीं है, क्योंकि जिसका मकान बन रहा होता है चुपचाप पैसा भी दे आता है और रोता भी नहीं है आकर, ये दिक्कत है। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आम जनता हैं, आप अपनी तरफ से उनको विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो जनता से ये संदेश देना चाहूँगा कि विकास के कार्यों में जैसे आप हमारा सहयोग कर रहे हैं ऐसे करते रहें, और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हों
आप डायरेक्ट मेरे पास लेकर आए, हमें RWA के थ्रू आता है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर RWA आपके साथ नहीं चलती है और आपको ज़रूरत है तो आप मेरे पास आएँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए, कोई भी पार्टी का बंदा हो डायरेक्ट आ सकता है। राजनीति चुनाव से एक महीने पहले करेंगे, हम राजनीति के लिए नहीं है, हम सेवा भाव से आए हैं और आंदोलन से आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आंदोलनकारी के हिसाब से ही काम करते रहें और आप लोगों के साथ साथ चलते रहें, यही कहना चाहेंगे। विज्ञान भवन में आयोजित फेम इंडिया श्रेष्ठ सांसद अवार्ड 2019 में दिल्ली से उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा सांसद डॉक्टर उदित राज को बेहतरीन कार्यक्षमता को देखते हुए बेजोड़ सांसद की श्रेणी में पूरे देश के लोकसभा सांसदों में सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तरी दिल्ली के उप महापौर राजेश लावड़िया ने अपने वार्ड संख्या 92 करोल बाग क्षेत्र में गौशाला मार्ग की स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई की। इसके उपरांत उन्होंने सड़क पर पानी का छिड़काव भी किया। उत्तरी दिल्ली की पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के जन्म दिवस के अवसर पर सूरज पार्क सेवा बस्ती में श्रमदान और पौधारोपण किया। इकरामनगर कॉलोनी में दो मंजिला मकान में देर रात लगी आग में मां ने जान की परवाह किए बगैर बच्चों को पहली मंजिल के छज्जे से नीचे फेंक कर उसकी जान बचाई। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट 2019 में आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले सवर्ण आरक्षण के बाद यह मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा दांव है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि यह बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार आयकर दाताओं का गौरव गान करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा और अर्थव्यवस्था को बल देगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनशन का आज तीसरा दिन है। उनके चिकित्सक का कहना है कि अन्ना का रक्तचाप और रक्त में शुगर की मात्रा काफी बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 प्रशिक्षक विमान आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को अफ्रीकी देश सेनेगल में गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि पुजारी को जल्द पूछताछ के लिए भारत लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान शाहिद अहमद बाबा और अनियत अहमद जिगर के रूप में हुई है। ये है DID में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए कल तक।